बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी नॉवल है। उमरा जान का जो कैरेक्टर है वो हमने फिल्मों में भी देखा है, जिस तरीके से हयाम साहब का म्यूजिक था और जिस तरह से रेखा जी ने उसको परफॉर्म किया था और मुजफ्फर साहब की फिल्म थी, सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है इस पूरे ओपेरा में। ये हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स और म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं, और जिस बखूबी से इन्होंने ये पूरा ओपेरा को म्यूज़िक दिया है और जिस किस्म से इसके डायरेक्टर राजीव गोस्वामी ने जो काम किया हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, इंटरेस्टिंग ओपेरा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता, हमारी ऑडियंस जो थिएटर लवर्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आइए और इस ओपेरा को सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, ताकि थिएटर की दुनिया में ऐसे ओपेरा जैसे शोज़ बहुत कम होते हैं। बहुत मेहनत की है कलाकारों ने, भीड़ है कलाकारों की, पूरा भरा हुआ स्टेज है, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, और एक्टर्स खुद गाने गा रहे हैं। इसमें कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं है, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक ट्रैक ही रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं वो खुद गा रहे हैं गाना, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ है। और विशिंग सलीम सुलेमान द एंटायर टीम ऑल द सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, एंड आई एम श्योर दैट दिस शो विल डू अ ग्रेट जॉब। अश्कर सबसे पहले कि जब थिएटर की बात करते हैं इंडिया में, तो इस लेवल का प्रोडक्शन, इस साइज का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। एंड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कनिका आज एक बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, और हम उसे यू नो चीयर करने आए हैं, शो को देखने आए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बीइंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। व्हाट डू यू से जूही? या ये उमराव जान तो क्लासिक है, और उसे लाइव देख पाना स्टेज पर उस स्टोरी को, और इतना खूबसूरती से जिस तरह से इन्होंने बनाया है, और जो प्रोडक्शन वैल्यू है ऑब्वियसली, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसे आशु ने कहा, कनिका बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, सीरियल फ्रॉम हर आल्सो एंड वॉच अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू सलीम सुलेमान। थैंक यू, थैंक यू। अरे छोड़ो।